तरकारी बना दी तरकारी। गया था टहलने के लिए और अभी घर पे आ चुका हूँ। आके माधव के लिए ओरियो बिस्किट लाया था, ओरियो बिस्किट खाया, हाथ धोया, मुंह धोया, शैतानी किया, चौका लगाया है अंदर। अरे वो मतलब एक खोल को बहुत तगड़ा नाक में लग रहा है, माधव को भी लग रहा है, देखा। चलो हम थोड़ा सा टहल के आते हैं, यहाँ पे बैठो पंखे के सामने। हाँ अब शायद चले गया होगा। चलो मम्मी बुला रही थी ना। हाँ बोलो। जी के वो सरसों का तेल सस्ता है। हाँ लेके आना 2-3 पैकेट। ओके बाप रे। छोका मार दिया उसने। क्या बना रहे हो? सोयाबीन? हाँ सोयाबीन बना रही हूँ और वो घी को। ओ वाह यार गाइस क्या बताए ना आपको, सब्जी इतना महंगा हो गया है, अब तो बाजार करने का मन ही नहीं लगता है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद अब सब्जी लगाऊंगा पक्का। मार्केट का हालत बहुत खराब है, पता नहीं यार सब लोग कैसे करके खा रहे हैं सब्जी वगैरह। टमाटर है हमारे यहाँ पे फिलहाल 200 रुपए किलो है टमाटर, सोच रहे हो? 200 रुपए किलो। और जो घी करो दो लेके आया उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? करेला कहते हैं। ना ना क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं है। जो भी हो वो 3 लाया मैं 20 रुपए का, छोटा छोटा सा है, बहुत महंगा। 40 रुपए का 100 ग्राम है अदरक, जो मेन चीज सब्जी में चीज होता है वो तभी महंगा है। आलू प्याज तो नॉर्मल है। देखो माधव पढ़ाई कर रहा है, माधव पढ़ाई चल रहा है। ये क्या है? ये सब कैलेंडर का है, पुराना जो कैलेंडर था उसका है। क्या बोल काका? काका टमाटर कितने का लेके आए हो? सॉरी लेके आने वाले थे 50 का 2, इतना बड़ा वाला नहीं चाहिए। और बोल रहा था कि 3 ले जाओ, छोटा छोटा दे दो। मैंने बोला आप ही रख लो। ना महंगा यार, तुम बोल रहे थे 10 का लिया ना, 10 का ना वो आधा काट के भी नहीं मिलता। अगर वो एक टमाटर काटता भी फिर भी 13 रुपये होता। सोचो रोहित बोल रहा ले जा आप दो, उसका 4-5 टुकड़े कर लेना, एक एक बार सब्जी में एक एक टुकड़ा डाल देना। अच्छा तू ले जा। अरे गिराएगा। सरलक है ये। और ये ना क्या है कि इसके लिए ना मैंने स्पेशली ऑनलाइन खिचड़ी सरलक और जो वेजिटेबल है 5 तरीके का उसका मंगवाया था। वो उसमें खाता ही नहीं वो, उसको मैं मिक्स करके देती हूं, उसको आदत हो गया ये एप्पल बीट वाला। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, 3 जो है उसको इसी में मिक्स कर दे रहे हैं, ऐसे ही खाएगा पता नहीं चलेगा फिर। अरे आज लाइव नहीं आना है? हाँ। खाना वाना बना उसके बाद आएगा। ये अभी कहाँ सोएगा? ये सोएगा अब 11 बजे। दूध पिएगा क्या वो? तो हमारे यहाँ पे ना गाइस बारिश नहीं हो रहा है, पता है दिल्ली मुंबई हर जगह इतना बारिश हो रहा है, गुजरात में पहाड़ में, लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं बारिश क्यों नहीं। यार आज बताओ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है रुद्रपुर, 60 भी नहीं 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर रुद्रपुर में इतना तेज़ बारिश हो रहा था और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ पर भी बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश का ये बूंद नहीं गिरा। आगे देखा पूरा सूखा पड़ा है और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शक्ति फार्म डूब गया होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक बूंद पानी नहीं गिरा। यार काफ़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। अब लोग धान वान भी लगा रहे हैं उसको पानी कब तक बताओ, मोटर चला के डीजल खर्च करके कितना भी पानी ले।
बारिश का पानी जब तक नहीं गिरेगा ना तब तक फसल अच्छे से होता ही नहीं, क्योंकि बारिश का पानी होता है धान के लिए सबसे बेस्ट होता है बारिश का पानी, क्योंकि वो नेचुरल वाटर होता है, तो है ना, हर जगह का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो मिक्स होकर नीचे गिरता है, तो उसमें कितना न्यूट्रिशन होगा, कितना कुछ उसमें मिनरल्स होंगे जो धान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बारिश का पानी। और यहाँ पे देखो माधव सरलक खोल के नीचे गिराया गया, नहीं इसका खेलने का चीज़ बन गया, और इसका खिलौना है इतना भरा पड़ा है ना, दो दो पॉली बैग भरा पड़ा है बड़े बड़े, उसमें उसमें जितना भी खिलौने हैं उसमें उस खिलौने से ये खेलता नहीं है, जो कूड़ा का बड़ा होगा ना जैसे ये फेंकने वाले हम कल, वो इसी से खेलेगा। देखो इसके लिए हम ना खेलने के लिए इसको एक रख देते हैं, और बाद में के खिलौने ना इसके सार्थक भैया को दे देंगे ऐसा लग रहा है, खेलता ही नहीं है क्या करे, वो तो खेलेगा कम से कम आधा दे देंगे, वही तो बिल्कुल भी नहीं खेलता है। अरे कभी घूमने जाएंगे ना लेके कुछ लेके जाएंगे इसके लिए, ये खेलता ही नहीं है। ये नीम से उठ के दूध पिया नहीं ना इसने, और आज हम डॉक्टर के पास गए थे तो वैसे भी सही हो रहा है, देखता ना मैंने काफी हद तक सही हो गया है, पांचवा दिन में ही मतलब अच्छा हो गए, अब ज़्यादा नहीं और एक हफ्ते में पूरा प्रॉपर सी हो जाएगा, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक चलाऊंगे। हाँ ये ख़त्म होने के बाद ना होम्योपैथिक चलाना, फिर वो क्या होगा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और कभी भी मतलब देखोगे ना कि एक दो दाना निकल रहा है वो कुछ हो रहा है उसी टाइम होम्योपैथिक खाना स्टार्ट कर देना, अगले साल जैसे गर्मी में फिर से हो सकता है ना। क्या कर रहा है वो? तो यहाँ पे क्या बन रहा है? गैस कम करके जाना चाहिए था ना, और इसमें है आलू और क्या बनेगा, और वो काटा बन गया, काटा सब्जी वो कहाँ है, काटा सब्जी बन गया बन गया, वाह। हाँ इसको क्या बोलते हैं गाइस कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को ध्यान था लेकिन ना याद नहीं आ रहा है, परमल ना ना, ये देखो ये कौन किस टाइप का, हम तो इसको घी करल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट कर देना ताकि हम हमें भी पता चले। कुछ गिरा था नीचे, अच्छा ये देखो ये छोटा वाला जो करेला है ना ये भी बहुत टेस्टी होता है, हाँ, छोटा वाला ही अच्छा लगता है। मैंने एकदम सिंपल ही कर रही हूँ जैसे तैसे, क्योंकि रात को खाना बनाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं सरकारी बना रही हूँ सरकारी।